look at you and it's easy to see. Hello guys, assalamu alaikum. This is Mariam Jafri and welcome back to my channel. दोबारा से डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है और सुबह सुबह उठ गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए. तो अभी मैं जा रही हूँ शाबिर को स्कूल छोड़ने के लिए. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब इट, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो लेट्स बिगिन आवर डे. शाबिर, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर सो मेनी ऑफ्स? गुड. ओके, आर यू हैप्पी? Yes or no? No. Oh my God, why? नहीं ना, आप उनके साथ नहीं, टीचर को आप इन्फॉर्म करना. ठीक, ट्रैफिक इस टाइम फुल टाइम ब्लॉक हुई हुई है. आई कांट शो यू. फुल टाइम ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है और हम लोग हो गए हैं आज लेट. हाँ, बहुत ज़्यादा लेट इसलिए क्योंकि आज फर्स्ट डे था और हर चीज़ बहुत स्लो स्लो हो रही थी. ऐसा ही है जबकि हम बहुत जल्दी जाग गए थे. और हमारा स्कूल था 9:30. हमारे स्कूल की टाइमिंग आजकल 9:30 और हम जागे थे 6 o'clock. यस. तो अभी हम सुबह सुबह आए हुए हैं मार्केट, अपनी सोसाइटी की मार्केट में. और शाहजैन बहुत ज़्यादा रो रहा था तो उसको चुप कराने के लिए मैंने लिए इसके लिए ज़्यादा सी चीज़ें. बिकॉज ही के मैंने भी स्कूल जाना है. भाई स्कूल गया है तो मैंने भी स्कूल जाया करना है आज से. नाउ इज हैप्पी बिकॉज ही इज हैविंग ऑल द स्टफ व्हिच ही वांट. घर चलिए. ये नाउ इज एग्री टू गो होम. चलें जी, अब मैं चेक करने लगी हूँ गाड़ी का ऑयल ताकि पता चले कितना है. एक तो उसको खड़ा करने वाली वो ही नहीं है. ये बाहर निकाल के करती हूँ. कहाँ तक गया वह? बहुत ही कम है यार, डालने वाला है. सारे के सारे कपड़ों को करने जा रही हूँ मैं. सब कपड़ों को रखूँगी वापस इन कबर्ड्स के अंदर जो कि हाफ फिल्ड है और हाफ अनफिल्ड. और बहुत ज़्यादा काम है भी करने को. आई विश कि आज सारे के सारे कपड़ों को मैं अनपैक कर लूँ और अपनी कबर्ड्स को अरेंज कर लूँ. जब आपकी कबर्ड्स अरेंज हो जाती हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है. आपको लगता है कि आपने सारे काम कर लिए हैं, हर चीज़ सेट है, फिट है. ऑलरेडी मैंने सारे के सारे कपड़े अरेंज करके इन बैग्स के अंदर डाले थे तो इसका ये मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे कुछ भी दोबारा से फोल्ड नहीं करना पड़ेगा. सब कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट इनटू कबर्ड. तो आप लोग भी जब अपनी पैकिंग करते हो तो पैकिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि हर चीज़ को अपनी ओरिजिनल जगह पे रखो और सब कुछ सेपरेट करके रखो. जैसे जो जर्सी हैं वो मेरी सेपरेट है, जो मेरी जीन्स वगैरह है वो मेरी सेपरेट जगह पे पड़ी हुई है. तो मुझे अनपैक करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैंने सारी की सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई. और एक और बात भी होती है कि आप लोग जब अपनी अम्मी की तरफ जाते हो तो आपके पास इतना सा सामान होता है, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपके पास इतना ज़्यादा सामान होता है. तो ये अम्मियों के घर जाने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है. जो चीज़ भी होती है आप कहते हो अम्मी ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं. अम्मी कहती हैं ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी ले जाओ तुम, ये भी ले जाओ. तो बेटियाँ जब भी माओ के घर जाती हैं तो आपको अनलिमिटेड जो है ना सामान उधर से लेकर आ रही होती है. डू यू एग्री विद मी? अगर आप लोग भी एग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. मैं तो ऐसे, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है. चलो, मेरा एक बैग हो भी गया अनपैक. नेक्स्ट बैग उठाती हूँ. एक बैग खाली हो गया, अब अगले बैग की बारी. तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है जिसके अंदर मैंने बातें भी की हैं. एक 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें 1 मिनट मैंने बातें की हैं और 1 मिनट में मैंने अपना एक बैग को अनपैक कर लिया. तो इन एक्चुअल आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपकी हर चीज़ ऑलरेडी अरेंज्ड होगी.
दिस इज कॉल्ड प्रोटिप. यस इट इज कॉल्ड प्रोटिप. आपको ऊपर से नजर आ रहा है? अब ऊपर से भी मैंने एंगल सेट कर दिया. अब ऊपर से भी मैंने एंगल सेट कर दिया ताकि आपको ऊपर से भी नजर आए कि मैं ऊपर वाली कवर को भी सही से अरेंज कर रही हूँ. ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है. बस ये एक जर्सी है जो मेरे से निकालने में खुल गई है, अदरवाइज ये भी फोल्डेड ही थी. इसको तरखते बिकॉज ये मैं इतना ज्यादा पहनती नहीं, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ. चलो बाकी रह गए दुपट्टे, डन विद दिस बैग. इसमें थोड़े से एक दो दुपट्टे वगैरह वो मैंने बाद में रखे. चलो और बाकी जो बैग्स हैं उनको मैं ऑफ द रिकॉर्ड अनपैक करती हूँ. ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा मज़ेदार सा व्लॉग. होप सो कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हम मिलते हैं कल दोबारा एक न्यू मज़े के एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ. तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.